मालवा पट्टी में किसान कर्ज के चलते लगातार मौत को गले लगा रहे हैं। किसानों की खुदकुशी में एक और नाम मानसा जिले के गांव चहला माखा के 37 वर्षीय किसान सुखवीर सिंह का जुड़ गया है, जिसने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। मृतक किसान के पास 4 एकड़ जमीन थी, जिसमें 2.5 एकड़ जमीन कर्ज के कारण बेच दी गई। अब उसके पास सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन बची थी। किसान सुखवीर के ऊपर 4 लाख रुपए का कर्ज है। मृतक किसान के परिवार के सदस्यों और गांव वासियों ने बताया कि सुखवीर सिंह बहुत ही मेहनती ईमानदार किसान था। उसके पास 1.5 एकड़ जमीन रह गई थी, जिसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल था। ऐसे में 4 लाख रुपए का कर्ज और पूरे परिवार का खर्च उठाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वह अक्सर परेशान रहता था और इसी परेशानी के कारण उसने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली। सुखवीर सिंह अपने पीछे बूढ़े माँ बाप, पत्नी, एक बेटा और बेटी को कर्जदार छोड़ गया है। किसान नेताओं और गांव वासियों ने सरकार से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने और कर्ज माफ करने की गुहार लगाई है। जो सुखवीर सिंह जी, वो एक मेहनती ते गरीब किसान सी, वो घरेलू समस्यावां इहियां ते उलझा होया सी कि उहदी माता जी पहलां बीमार होण करके उहदे पैसे खर्चे होए, बाद चोर कबीलदारी का कर्जा तो सिर चढ़ गया। वो कोशिशां करन दे बावजूद भी कर्जा उतों लौट नहीं आ रहा सी, सिर नूं उतर नहीं रहा सी, इस करके वो परेशान रहिंदा सी। वो परेशानी दे कारण ही बीते दिन कोई जहरीली वस्तु निकल के उन्हें जी अपनी जीवन लीला वो समाप्त कर ली। असी सरकार तो मंग करते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे, एक बेटी है एक बेटा है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई लिए कोई जो उसकी मदद की जाए परिवार की, ताकि वो बच्चे आपके पैरों से खड़े हो सकन। साढ़े पिंड का सुखवीर सिंह जो किसान सेगा, करजे से बहुत परेशान रहता थी। इधर 4 किले जमीन का मालिक सेगा, जिसे करजे के कारण 2.5 किले बेच चुका सेगा, तो 1.5 किला वो को जमीन रह गई थी। हजे भी उन्हें आढ़तियों के रिश्तेदारों का कुछ कर्जा देना थी, वो कर्जा मोड़ना चाहता थी, पर उदो कोई फौ नहीं पै रहा थी, कमाऊ तो सेगा, तो इस कर्जे के कारण बहुत परेशान रहता थी। जिस तो उन्हें तंग आके बाहर कितने जाके कोई जहरीली वस्तु पी के मतलब वो कर खुदकुशी कर ली, जिसनों ले जाके मानसा हस्पताल के लिजाया गया, जिते कि जाते थे उसकी मौत हो गई। मैं भारतीय किसान यूनियन एक ताडे कौंदा वालों बेनती करता हाँ कि इस परिवार की माली मदद की जाए, ता कि इस परिवार का गुजारा चल सके, क्योंकि इधर 17 साल की लड़की है जो कि ब्याहन के योग है, कि बच्चा न्याणा है जो जिसकी उम्र 15 साल है, तो उसका बिरध बाप भी उसके नाल है। इस करके सरकार तो बार बार अपील करते हैं कि इसकी माली मदद की जाए। की मामला की कार्रवाई की? असी इसे घरवाली जसविंदर कौर के बयान से 174 की कार्रवाई की है जी। उसके लिखाया भी इन्हें कोई कर्जा देना सी, पर हजे ए दसा नहीं भी कि कोई गलबात आ की बात है। 174 की कार्रवाई करती है जसविंदर कौर के बयान से। मानसा से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट।